तो गोवा में नाइट लाइफ का रिस्ट्रिक्शन के बाद आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, अभी नाइट लाइफ का क्या सीन है, हम कैसे प्लान करें, 10 बजे के बाद बीच साइड में म्यूजिक बंद हो जाता है तो पूरा रात का प्लान कैसे करें, कुछ क्लब का सजेशन दे दो करके, प्राइस बताओ करके, कौन सा क्लब अच्छा है, कौन से क्लब हमें विजिट करना चाहिए, कपल्स के लिए कौन सा बेस्ट है, स्टैग के लिए कौन सा बेस्ट है बताओ करके। तो इसलिए ये वीडियो में आपको 8 से 10 फेमस क्लब के बारे में बताने वाला हूँ, कौन से लोकेशन में है, क्या प्राइस चल रहा है, जाने से पहले आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कपल्स हो तो कौन सा क्लब आपके लिए बेस्ट होगा, स्टैग के लिए कौन सा क्लब बेस्ट है, और जो प्राइस आप पे करोगे उस प्राइस में आपको क्या इंक्लूड होगा, डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों का बताने वाला हूँ। तो आप अगर नाइट लाइफ पार्टीज क्लब का प्लान कर रहे हो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा, और आप अगर टूर प्लान कर रहे हो प्रॉपर आइटनरीज चाहिए, PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो, डे बाय डे प्लान करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करेंगे नॉर्थ गोवा से, नॉर्थ गोवा के स्टार्टिंग एंड से जो कि कांदोलिम बीच है, उसके बाद कलंगुट, बागा, अंजुना, बागातर, ये साइड में ज्यादातर क्लब होते हैं। तो कांदोलिम से शुरू करेंगे, कांदोलिम के पास नेरुल करके एक प्लेस है, वहां पे LP के क्लब है। इनका जो टाइमिंग है शाम को 9:30 से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे तक ये क्लब ओपन रहेगा। एंट्री प्राइस जो है 3,000 कपल का है और 4,000 जो है ये स्टैग एंट्री है। ये जो क्लब है दोस्तों काफी बढ़िया एम्बियंस है, अंदर कपल्स के लिए बेस्ट है। तो 9:30 का अगर टाइमिंग है तो आप आराम से बीच साइड का भी नाइट लाइफ एंजॉय करके, आप अगर कांदोलिम बीच के साइड में रह रहे हो उसका नाइट लाइफ एंजॉय करके, जैसे म्यूजिक बंद होगा 9:30 आप क्लब के लिए जा सकते हो, बिल्कुल कांदोलिम बीच के नजदीक है। इसके बाद है सिंह क्लब, ये कांदोलिम बीच में है, इसका भी जो टाइमिंग है 9 से 3 बजे तक है, रात को 9 बजे से अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक रहेगा। इंडोर क्लब में आपको म्यूजिक मिलेगा लेट नाइट तक, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आउटडोर जितना भी क्लब हो गया, पार्टीज हो गया, जो रेस्टोरेंट एरिया, बीच साइड शैक, ये सारे म्यूजिक 10 बजे बंद हो जाता है। आगे अगर कुछ चेंजेस आएगा तो बिल्कुल अपडेट करूंगा, पर अभी का आउटडोर का ये सिचुएशन है, तो ऐसे में आपको क्लब के लिए जाना पड़ेगा। तो कांदोलिम बीच में आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है सिंह क्लब, ये क्लब का प्राइस है 3,000 कपल का है और 3,500 to 4,000 जो है ये स्टैग एंट्री है। वीकेंड के टाइम पे फेस्टिवल या फिर 31st नाइट, न्यू ईयर नाइट पे ये जो प्राइस है ना ऊपर नीचे होगा। आपको क्या करना है, इनका वेबसाइट में जाना है, जाके चेक करके आप जा सकते हो, या फिर रिसेप्शन में जाके उस टाइम का क्या प्राइस रहेगा ये कंफर्म करके आपको जाना रहेगा। अभी का क्या प्राइस चल रहा है ये मैंने बहुत सारे रिसर्च किया है, उनका रिव्यूज देखा है, बहुत सारे फोन कॉल करने के बाद जितना इन्फॉर्मेशन मैं निकाल पाया आप लोगों के लिए निकाला हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये जो प्राइस है फिक्स प्राइस नहीं है, ऊपर नीचे होगा, तो आपको कंफर्म करके बुक करना है जहाँ पे भी आपको जाना है। तो कांदोलिम बीच के पास ये दो ऑप्शन आपको बता दिया मैं। अभी चलते हैं फेमस लेन टीटोस लेन के पास, कलंगुट और बागा के बीच में टीटोस लेन है। टीटोस लेन में काफी सारे पब्स क्लब मिलेगा, यहाँ पे दो फेमस है, टीटोस क्लब। टीटोस क्लब का जो टाइमिंग है शाम को 6 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे तक ओपन रहेगा। इसका जो एंट्री प्राइस है कपल्स के लिए 2,000 to 2,500 का प्राइस है और स्टैग एंट्री कर रहे हो तो 2,500 से 3,000 आपको पे करना पड़ेगा। और आपको अगर टेबल चाहिए बैठना है तो उसका अलग प्राइस होता है, आपको रिसेप्शन में जाके पूछना पड़ेगा। अभी जो उनका वेबसाइट में दिखा रहा है 5,000 rupees टेबल का चार्जेस। और उसके बगल में है कैफे मेम्बोस, मेम्बोस जो है बिल्कुल बीच फ्रंट है, बागा बीच, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल आप बीच साइड में रहोगे तो वहां से आके मेम्बोस भी जा सकते। और इनका जो प्राइस है दोस्तों 1,500 to 2,000 कपल का है और 2,000 to 2,500 स्टैग एंट्री है। ये प्राइस ऊपर नीचे होगा जैसे मैं आपको बताया। टाइमिंग सेम है 6 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक सुबह ये ओपन रहेगा। तो ये टीटोस लेन में दो क्लब जो फेमस है, तो ये आपके पास ऑप्शंस है। और उसके बाद काफी सारे पब और क्लब भी है, जैसे वाइट गोवा हो गया, माया है, द एलिफेंट करके एक क्लब है वही टीटोस लेन में। इनका जो प्राइस है 1,000 to 1,500 पर कपल का चार्ज करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से क्लब में जाना चाहते हो। टीटोस लेन में काफी सारे पब का ऑप्शन मिलेगा, पब और क्लब का। ये एरिया में जो फेमस है वही ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी चलते हैं बागा बीच, बागा बीच में एक फेमस क्लब है हैमर्स करके, इसका जो एंट्री प्राइस है 4,000 to 5,000 है। और ये जो क्लब है हैमर्स क्लब का जो टाइमिंग है ये 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक रहे। ज्यादातर क्लब में आपको जो ड्रिंक्स है ये इंक्लूड होता है आपके ये प्राइस में, फूड आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अरपोरा हिलटॉप में क्लब कवाना करके, बहुत ही फेमस है। इनका जो टाइमिंग है 9:30 to 3:30 अर्ली मॉर्निंग ओपन रहेगा। 3,000 to 4,000 कपल एंट्री है, यहाँ पे स्टैग एंट्री नहीं है, वेबसाइट में भी नहीं दिखा रहा है और रिव्यूज भी मैंने काफी चेक किया, इनका स्टैग एंट्री नहीं है। और यहाँ पे इंग्लिश म्यूजिक चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे बॉलीवुड म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक
नहीं मिलेगा क्लब कबाना में, यहाँ पे पूरा इंग्लिश म्यूजिक ट्रांस वगैरह चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ गोवा का कुछ क्लब में आपको बताया। बिल्कुल, आप अगर कपल में हो तो आप टिटोस, एलपीके और हैमर्स ट्राई कर सकते हो। क्लब कबाना भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको अगर इंग्लिश म्यूजिक पसंद है। अभी बात करते हैं साउथ गोवा में आपके लिए क्या ऑप्शन है। साउथ गोवा में दो क्लब है, एक है लेपर्ड वैली, ये पड़ेगा आपको पालुलिम बीच और अगोंडा बीच के रास्ते में पड़ता है लेपर्ड वैली। इनका जो एंट्री चार्जेस है दोस्तों 1000 to 1500 है। ये साउथ गोवा में पड़ेगा, एक ही ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आप म्यूजिक एंजॉय करोगे लेपर्ड वैली करके। और एक क्लब है पालोलिम बीच में, ये साइलेंट नॉइज हेडफोन पार्टी, इसमें लाउड म्यूजिक नहीं होगा, आपको हेडफोन दिया जाएगा, दो तीन चैनल होगा उसमें अलग अलग म्यूजिक प्ले हो रहा होगा, आपको जो म्यूजिक में डांस करना है ये प्ले करो और अपने धुन में नाचोगे, सब लोग अपना अपना हेडफोन यूज करके डांस कर रहे हैं, तो ऐसा मिलेगा आपको साउथ गोवा में क्लबिंग का ऑप्शन। ये दो ही ऑप्शन आपके पास है साउथ गोवा में। नॉर्थ गोवा में काफी और भी है, छोटे बड़े काफी क्लब है, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, मैं जो फेमस है वही आपको बता रहा हूँ। और कुछ रेस्टोरेंट में आपको बता दूँ, अच्छे एम्बियंस के साथ विथ म्यूजिक और अच्छे व्यू के साथ, सनसेट व्यू के साथ अपना कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो, म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो, डीजे म्यूजिक चलता है, तो ये सब तीन प्लेस है जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि सिवा वैली हो गया अंजोना में, तलासा रेस्टोरेंट हो गया ये चापोरा रिवर के साइड में, अंजोना रिवर के साइड में है, और रोमियो लेन। रोमियो लेन जो है ये वागातोर के हिल टॉप के नीचे है, जो ओजरान बीच वहाँ पे है, काफ़ी बढ़िया एम्बियंस के साथ यहाँ पे म्यूजिक भी आप एंजॉय कर सकते हो, ये रेस्टोरेंट टाइप है, अच्छा व्यू मिलेगा। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आउटडोर है तो आपको 10 बजे तक ही यहाँ पे म्यूजिक मिलेगा, उसके बाद म्यूजिक बंद हो जाएगा। हालांकि इनका जो डिनर ये कंटिन्यू रहेगा 11 साढ़े 11 बजे तक, पर म्यूजिक जो है 10 बजे तक रहेगा ऑप्शंस। और अभी बात करते हैं, आपको अगर क्लबिंग नहीं करना है, फ्री नाइट लाइफ चाहिए, तो आप कलंगुट, बागा, टिटोस लेन, कांदोलिम ये साइड के बीच साइड में जाओगे तो 10 बजे तक लाउड म्यूजिक रहेगा, आप बीच साइड में कैंडल लाइट डिनर या फिर फूड ड्रिंक्स लेके अपना शैक में नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो, डांस कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है 10 बजे तक। और उसके बाद आपका अगर प्लान है, जितना क्लब में बताया उसमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये था क्लब का ऑप्शन आपको बताया, गोवा के सबसे फेमस क्लब, उनका प्राइस अभी क्या चल रहा है ये डिटेल में आपको बता दिया। फिर से बता रहा हूँ, ये जो प्राइस है ऊपर नीचे होगा सीजन, वीकेंड और 31st नाइट न्यू ईयर के टाइम पे, इनका प्राइस चेंज होता रहेगा। ऑफ सीजन में आओगे तो इनका प्राइस बिल्कुल कम होता है, तो और कुछ क्लब तो बंद हो जाता है, जो ओपन एयर रहता है ये क्लब बंद होता है, जो इंडोर होगा ये ओपन रहेगा। प्राइस जो है बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड होगा, कितना क्राउड है, कौन से टाइम पे आप आ रहे हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिएगा, और जो भी आपका इंक्वायरी है कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा या फिर कमेंट का रिप्लाई भी दे दूंगा। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।